प्रीचर, ये नाम कभी फुर्सत में गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हर वेबसाइट जो कॉमिक बुक्स को रैंक करती है उसमें इसका दर्जा टॉप 5 या टॉप 10 से नीचे कभी नहीं जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये ग्राफिक नावल पढ़ी होगी वह इसकी तारीफ करते नहीं थकेगा। इस कहानी को अडॉप्ट करके 2015 में एक सेम टीवी सीरीज बनाई गई थी जो सितंबर 2019 तक चली। प्रीचर कॉमिक सीरीज 1995 से 2000 तक चली थी। इसका पब्लिकेशन वर्टिगो कॉमिक्स ने किया था जो कि डीसी कॉमिक्स की ही एक इम्प्रिंट है। इस सीरीज के लेखक थे जाने माने ग्राफिक नावल राइटर गार्थ एनिस, आर्टिस्ट थे स्टीव डिलन और कवर आर्टिस्ट थे ग्लेन फैब्री। अब बात करते हैं इस कहानी की, जो शुरू होती है एनविल के एक छोटे से शहर से जिसका नाम है टेक्सास। वहाँ का प्रीचर है हमारी कहानी का हीरो, जेसी कस्टर। प्रीचर का मतलब होता है धार्मिक उपदेश देने वाला व्यक्ति। थोड़ा और सिंपल में समझिए, हॉलीवुड की फिल्मों में जो चर्च के पादरी दिखाए जाते हैं वैसे ही होते हैं प्रीचर, जो कि लोगों को अपने धर्म का अनुसरण करना सिखाते हैं। खैर, हम वापस कहानी पर आते हैं। स्वर्ग यानी हेवन। हेवन में खलबली मची हुई है क्योंकि वहां से जेनेसिस गायब हो गया है। जेनेसिस के गायब होने से उसकी देखरेख करने वाले एडिपी बेहद परेशान हैं और किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ निकालना चाहते हैं। ये काम वे ईश्वर यानी गॉड के स्वर्ग में आने से पहले ही कर देना चाहते हैं। इस कहानी में बताया गया कि गॉड फिलहाल स्वर्ग में उपस्थित नहीं है। एडिपी स्वर्ग के एंजल से कुछ निचले स्तर पर ही काम करने वाले लोगों को कहा जाता है। एडिपी जेनेसिस को ढूंढने के लिए जगाते एक बहुत ही खतरनाक शक्ति को जिसका नाम है सेंट ऑफ किलर्स। सेंट ऑफ किलर्स अपने ताबूत से बाहर आते ही गोली मारकर एक एडिपी की हत्या कर देता है, जिसे उसे जगाने के लिए भेजा जाता है और उसके बाद जेनेसिस को लाने के लिए पृथ्वी की तरफ चला जाता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये सेंट ऑफ किलर्स कौन है और उसकी बंदूक की गोली से स्वर्ग के वासी कैसे मर सकते हैं? तो मैं बता दूं कि ये बेहद शक्तिशाली सुपर नेचुरल एंटिटी है। ये एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह है जो किसी को रोके से नहीं रुकती। सिंपल भाषा में ये भाई रजनीकांत से भी ऊपर लेवल का है। उधर जेनेसिस पृथ्वी पर आकर जेसी कस्टर के शरीर पर उस वक्त कब्जा कर लेता है जब वह चर्च में सैकड़ों लोगों के साथ होता है, जिसकी वजह से जेसी का शरीर अचानक से आई उस शक्ति को संभाल नहीं पाता और चर्च में मौजूद सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। चर्च पूरी तरह से मलबे के ढेर में बदल जाता है और खुद जेसी भी बेहोश हो जाता है। ट्यूलिप जेसी के एक्स गर्लफ्रेंड है, जो कि कैसेडी नाम के एक व्यक्ति से लिफ्ट लेकर उसी जगह से गुजर रही होती है कि तभी उसकी नज़र चर्च के मलबे में पड़े बेहोश जेसी पर जाती है। जेसी होश में आने पर देखता है कि ट्यूलिप और कैसेडी उसके एकदम पास खड़े हैं। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जेनेसिस ने खुद को उसकी आत्मा से बांध दिया है, जिसके कारण उसके पास एक अनोखी पावर आ जाती है, वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड का मतलब है कि जब भी जैसे किसी को भी अपनी पूरी इच्छा से कोई भी आदेश देगा तो वो उसके आदेश को टाल नहीं पाएगा। जेसी और कैसेडी में अच्छी बनने लगती है। बाद में बार में हुई एक लड़ाई के दौरान उन्हें पता चलता है कि कैसेडी एक वैम्पायर है। जब वो लड़ाई करते करते एक आदमी का खून पीने लगता है, जब जेसी को पता लगता है कि जेनेसिस भी बस एक नवजात बालक है जिसे गॉड ने किसी कारण से बनाया है, तो वह स्वर्ग से आए एडिपी को जेनेसिस को वापस ले जाने से मना कर देता है। पूछने पर एडिपी बताते हैं कि गॉड हेवन में है ही नहीं। तो फिर जेसी ट्यूलिप और कैसेडी निकल पड़ते गॉड की खोज में। उन्हें पूरा यकीन होता है कि यदि गॉड को जेनेसिस चाहिए तो वो जरूर पृथ्वी पर ही कहीं होंगे। उनके सफर में उनका सामना कई प्रकार के खतरों से होता है। सेंट ऑफ किलर्स, जिसे मारना असंभव है, बंदा मरता ही नहीं भाई, गोली से लेकर मिसाइल तक सब ट्राई कर लिया गया इस पर। हेस्टा सबसे चालाक विलेन है। इनके गिल्ड नाम की संस्था जेसी के पीछे पड़ जाती है। कैसिडी को भी पकड़कर टॉर्चर करती है ताकि उससे जेसी का पता मिल सके, लेकिन जेसी इनका भी बुरा हाल कर देता है। जेसी का खुद का परिवार यानी उसकी खूंखार नानी और उसके गुर्गे उसे गॉड के कहने पर अपने घर में कैद कर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ से भी बच निकलता है। प्रीचर की कहानी को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है जैसे स्वर्ग कोई जगह हो जहाँ एडेफी और एंजल्स गॉड के अंडर काम करते हैं। गॉड यानी ईश्वर सबसे प्रेम करने वाला दिखाने के बजाय एक ऐसे स्वार्थी मतलबी प्राणी के रूप में प्रदर्शित किया गया है जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे केवल मनुष्यों की भक्ति से मतलब है, जिसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इस कहानी के जरिए उस वक्त की अमरीकी राजनीति पर भी कई जगह चोट करने की कोशिश की गई है। सबसे अच्छी बात है इस सीरीज़ की जो लगी थी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब किसी भी किरदार को उठाकर देख लीजिए, अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो आपका दिल जीतने में सफल हो जाएगा। जेसी कस्टर हीरो होकर भी खुद को एक हीरो नहीं मानता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसने अपने जीवन में कई सारी गलतियां की हैं, इसलिए वो किसी का परफेक्ट आइडल बन ही नहीं सकता। ट्यूलिप
जेसी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। इन दोनों के रिलेशनशिप को पूरी कहानी में बहुत ही खूबसूरती से डेवलप किया गया है। कॉमिक के पहले इशू के बाद हमें पता चल जाता है कि ट्यूलिप जेसी से नाराज़ है क्योंकि वह उसे काफ़ी समय पहले छोड़कर चला गया था, लेकिन जेसी के पास उसे छोड़कर जाने का कारण भी था जो बाद में बताया गया है। कैसे इतनी आफतों के बीच उन्हें एक बार फिर से एक दूसरे से प्यार हो जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया इस सीरीज़ में। कैसिडी की भी कहानी बताई गई है कि कैसे उसे एक वैम्पायर काट लेता है और वह खुद नॉर्मल आदमी से वैम्पायर बन जाता है। इस सीरीज़ में अगर कोई किरदार आपको नहीं समझ में आएगा तो वह है कैसिडी। वह क्या कब कर बैठे उसका कोई भरोसा नहीं। जेसी और उसकी दोस्ती भी इतनी बढ़ जाती है कि खुद से ज़्यादा कैसिडी पर भरोसा करने लगता है। इनकी दोस्ती में कई अप डाउन वाले फेज भी आते रहते हैं जिनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जेसी के माता पिता के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, कैसे उनके बीच प्यार हुआ और कैसे जेसी के नानी ने उनके पिता को मरवा डाला और माँ को कैद करके रखा। बाकी के कई किरदार ऐसे हैं जो याद रखने लायक हैं और उनमें से एक है आर्च फेज, एक ऐसा लड़का जिसका चेहरा बुरी तरह से विकृत है। वह ठीक से बोल नहीं पाता लेकिन उसके मन में जेसी से बदला लेने की भावना होती है क्योंकि उसके पिता पुलिस में थे जो कि गलती से जेसी के हाथों मारे गए थे। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि जेसी की गलती नहीं थी तो वह अपना जीवन बनाने निकल पड़ता है और बाद में वह बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है। और भी छोटे बड़े ऐसे कई किरदार हैं जो आपके दिमाग पर अलग ही छाप छोड़ जाएंगे। इस कहानी में कई सारे शॉकिंग मोमेंट्स आते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार ये कैरेक्टर कैसे मर गया, लेकिन ओवरऑल ये कहानी ऐसी है जो हर कॉमिक रीडर को पढ़नी ही चाहिए। इस सीरीज़ का उद्देश्य धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। इसमें गॉड और हिवन को जिस तरह से दिखाए गए वो पूरी तरह से लेखक की इमेजिनेशन है। अगर आप एक कॉमिक रीडर भी नहीं है फिर भी ये सीरीज़ ट्राई करके देखें, ये आपको कहीं भी निराश नहीं करेगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलता हूँ मैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।